रजनी वेब 7 विद नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस। हाय हाय हाय, मिथिला पेंटिंग वाला कोच। पहले पटना राजधानी में लगता था, अब इसमें लगे हैं। वो गाड़ी तो ऐसे तेजस हो गई है। फुल पैक है ये गाड़ी भी। पहुंच चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन। कर्नाटका एक्सप्रेस एमटी रेट। श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली कटरा निकलेगी ये 3 बजे। न्यू दिल्ली स्टेशन। और गुरुजी कैसे? चरण, अरे चरण इधर इधर इधर। माय बेस्ट फ्रेंड अविनाश पाटिल। हेलो, नाइस टू मीट यू। थैंक्स। ही इज फ्रॉम छत्तीसगढ़, नाउ अनदर स्टेट आर्टिस्ट। अनदर स्टेट, या हाउ मेनी स्टेट्स इन टोटल? और सर, ये धोखा दे रहा है, हम लोग का आने वाला था, नहीं आ रहा अभी। 40 आवर्स का था। अमृतसर दिल्ली इंटरसिटी आ गई है। और ये आ गया आदित्य भी। कैसा है भाई? पिछले आजा आजा, लेट हो गया तू भी। ओ मजे करो, बिंदास मजे करो। ओ यस, यू लर्न हिंदी ऑलमोस्ट? या थोड़ा या। तो दोपहर के 1:43 पे हम लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इधर न्यू दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस का ये पुरानी दिल्ली नहीं जा रही। नहीं जा रही। एक बज के 44 मिनट। मीनवाइल वहाँ पर आ चुकी है सचखंड एक्सप्रेस अमृतसर से नांदेड़ से अमृतसर जाने वाली। पूरे रास्ते पर हमारे पीछे 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 आएगी। सचखंड एक्सप्रेस गोयल टीएमटी 37124 गाजियाबाद वेब 7। पहले गोयल टीएमटी वाले सारे फ्लाई के पास थे, वो गाजियाबाद के पास आ गए। 1 घंटे के ऊपर डिले हो चुका है हम लोग को ऑलरेडी। वाह क्या दिख रहा है यार, वलसाड का वैपोर्ट, गाजियाबाद का WAP-7, TKD का WAP-7, गाजियाबाद का पीछे Wi-Fi भी खड़ा हुआ है। इधर पीपल भी था एक। डीजल लोको शेड टुकलकाबाद। अरे टोस्टर, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। वाह वाह वाह, लोकोस की भरमार है भाई यहाँ तो। लेकिन ये है मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फिलहाल के लिए, पुष्पक 15527।
लोकोमोटिव ही थी, ये लोकोमोटिव है वो। पीछे वैप 4 खड़ा हुआ है, वहाँ वैप 7 है सकरनी वाला टिकेड़ी का। इधर भी एक और बड़ौदा का वैप 7 है, इधर टिकेड़ी, इधर हावड़ा का एक वैप 7 है। हावड़ा के दो है वैप 7। तो जो पीछे सदरवाला से राइट साइड में गया था रास्ता, वो ओल्ड दिल्ली की तरफ गया था, मैं गलत था, क्योंकि जो दिल्ली सदरवाला वाला है वो यहाँ से कट होता है, वो सामने से कोई ट्रेन आ रही है, वो दिल्ली सदरवाला के साइड से आ रही है, देखते हैं। मुरादाबाद दिल्ली, दिल्ली रेवाड़ी, कुछ तो ऐसा पैसेंजर ही है। मेरे ख्याल से रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर है, वही लग रही है रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर। वो लेफ्ट वाला गया रास्ता दिल्ली शहर रोहिल्ला की तरफ, उधर है दिल्ली शहर रोहिल्ला का रास्ता। पर हम लोग अभी ले चुके हैं अम्बाला का तरफ का रास्ता, पानीपत कुरुक्षेत्र होते हुए जाता ही है। दिल्ली कामाख्या एम्प्टी रेक,
सब्जी मंडी स्टेशन स्किप कर रहे हैं हम लोग अभी। अरे वाह, ये देखो दोनों साइड प्लेटफॉर्म है, मस्त। वन फाइव सिक्स फाइव सेवन फाइव एट दिल्ली कामाख्या। ब्रह्मपुर तो मेल तो नहीं है ना ये, बोल दिल्ली कामाख्या 15658 लिखा तो नहीं है, चेक करना पड़ेगा। दिल्ली आजादपुर, कोई माई बाप नहीं है इस भाई स्टेशन का। आदर्श नगर दिल्ली, नई दिल्ली प्रयागराज और नई दिल्ली पुरी का एमटी रेक। सोनीपत जंक्शन, कंटेनर डिपो समलाखा
मार रहे हैं अपन किसी को? एमडी के साथ कोई ट्रेन थी? देख तो समाल खा यहाँ पर किसको ओटी मारे अपन? यहाँ पर चेन पुलिंग हुआ और रुक गए हम लोग। ओल्ड दिल्ली फजिलका इंटरसिटी को ओवरटेक मारे थे अपन यहाँ समालखा पे एमडी के साथ था। अमृतसर मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस। तो वो लाइन आई है रोहतक से गोहाना जंक्शन होते हुए। सोनीपत से भी एक लाइन निकलती है गोहाना के लिए, तो यहाँ से भी जा सकते हैं। पानीपत जंक्शन पहुंचे अभी हम लोग यहाँ। और इसी तरह और अविनाश भाई ने मिलिया डोमिनोज डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेकर आए। दो मिनट में हमारी ट्रेन निकलने वाली है यहाँ से। निकले हम लोग अभी पानीपत जंक्शन से, टिकेटी वैफोर 22584। पानीपत रोहतक पैसेंजर, या तो ये शायद जिंद वाली जिंद रोहतक वाया पानीपत। इधर लेफ्ट में लाइन जा रही है जिंद जंक्शन की तरफ। ये है हमारा लंच अभी डोमिनोज का पिज्जा। एक वेज है एक नॉन वेज है। वेज इसके लिए क्योंकि मंडे आज, और नॉन वेज मेरे लिए। सूख गई थी भाई वो कनाल, और मौसम मस्त हुआ है भाई, अभी बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो चुकी है। बस ठंडा लग रहा है अभी बाहर।
करनाल। बारिश हो रही है एकदम बढ़िया तबाही वाली। भारत की पेंटिंग्स बनी हुई है वहां पर। कुरुक्षेत्र जंक्शन जहां पर महाभारत की कहानी में लड़ाई हुई थी, और ये है जिंद कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस। पैसेंजर एक्चुअली यहाँ से दरवाना के लिए लाइन जाती है। ये देखिए महाभारत का इतिहास ही है कुरुक्षेत्र। हो गई लाइन उधर कुरुक्षेत्र के बाद। शाहबाद मार्केट का कोई तो नई लाइन बन रही है यहाँ पर। अच्छा DFC का है, DFCC लिखा हुआ था वहाँ पर। उधर से वो लाइन आ रही है सहारनपुर की तरफ से। आ है वंदे भारत।
22448 वंदे भारत एक्सप्रेस। हम अंदौरा न्यू दिल्ली, ये भी चंडीगढ़ होते हुए आई है। बैक है यार, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अंबाला कैंट जंक्शन, अंबाला छावनी जंक्शन। सांतागाछी वैप फोर्ट, अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस 11058। खचाखच भरी हुई है भाई, खचाखच। शाम के 4:20 पे पहुंचे हम लोग। ये निकली अमृतसर मुंबई एक्सप्रेस अम्बाला कैंट से, 4:24 हो रहे हैं अभी फिलहाल, और यहाँ से और 45 हम लोग को जाना है चंडीगढ़। है साहिल अपनी घर की गाड़ी देखता हुआ, पार्सल मेल कोच। बाप रे, इसका खतरनाक भरा हुआ है यार जनरल तो। बाप रे बाप, वो जी आर के कोचेस। सहरसा अमृतसर का एक्स्ट्रा कोचेस। और यहाँ शाम के 4:27 पर हम लोग अभी निकले हैं चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ के लिए अम्बाला से। खाने पीने का आपको बहुत कुछ मिलेगा इधर, छोले भटूरे वगैरह सब तल के एकदम आपके सामने तैयार किए जा रहे हैं, छोले कुलचे भी है साथ साथ, पर वो ये थोड़ा ऑयली फूड ज़्यादा मिल रहा है इस साइड। ये थोड़ा एक है भेल, नहीं भी छोले वाले ही, छोले कुलचे पराठे, छोले कुलचे, ये तो चिप्स पैकेट, सैंडविच, ये सब ज़्यादा है इधर। कचौड़ी, ब्रेड पकौड़ा, मतलब ऑयली चीज़ें ज़्यादा दिख रही है मुझे इधर। अम्बाला कैंट जंक्शन, इस स्टेशन को ऐसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 अलग अलग लाइन्स आती है, एक दिल्ली की तरफ से, एक सहारनपुर की तरफ से, और जो मुरादाबाद सहारनपुर, और एक यहाँ पर आगे जाती है चंडीगढ़ की तरफ, जो आगे जाती है कालका की तरफ, जो आगे जाती है शिमला की तरफ, और दूसरी लाइन जो यहाँ से निकलती है वो जाती है टूवर्ड्स सामने आगे लुधियाना की तरफ। लुधियाना से आगे अमृतसर जा सकते हैं, जालंधर है, कटरा है, माता वैष्णो देवी कटरा, श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ऐसा कुछ सीन है अम्बाला कैंट जंक्शन का। लुधियाना WDMCA ट्विंस, हाय हाय मस्त दिखते हैं, खासकर ये वाला लाइब्रेरी लुधियाना का आइकॉनिक लाइब्रेरी है 36276 सेंटर लुधियाना का WDG 4G।
बाल बाल बचे भाई। अपन उतर भी नहीं सकते, इतनी गाड़ी चल जाएगी गाय को हटाने के लिए। लेडी लोको पायलट है, चलो साइड हो गई है। चंडीगढ़ रामनगर एक्सप्रेस, महामाना वाला एसी चेयर कार इसका, बैक है लेकिन गाड़ी मस्त। तो हम लोग अभी ले चुके हैं चंडीगढ़ वाली लाइन, और जो साइड से दो लाइन्स जा रही है मेन लाइन से, वो जा रही है लुधियाना की तरफ। हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं चंडीगढ़ की तरफ। लालरू आया है, लालरू स्टेशन। डप्पर डप्पर है शायद, डप्पर बोलते डप्पर स्टेशन को।
चंडीगढ़ प्रयागराज चाहार एक्सप्रेस। कोच्चिवली चंडीगढ़ केरला संपर्क क्रांति यार्ड में खड़ा है उसका रेक। T0180 गाजियाबाद वेब 5 हाई राइज मेट्रो वाला ये W221 E road WAP 4 चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस। खाली हो गया कुछ पूरा और यह था हमारा केबिन। गली नंबर 7 जो है वह
पहुंच गए अब हम लोग चंडीगढ़ फाइनली। वो वाईफाई इसमें लग रहा है, गरीब रथ एक्सप्रेस, जो किसी एंगल से गरीब रथ नहीं दिख रही। ये है चंडीगढ़ अजमेर, निकलेगी बाद में। सो फाइनली लगभग 50 घंटे की जर्नी हम लोग की कंप्लीट हुई यहाँ चंडीगढ़ पर। यशवंतपुर से लेकर चंडीगढ़ तक की ये जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही, क्योंकि एक तो ICF ट्रेन थी, उसमें अलग मज़ा आता है मेरे को। प्लस जो ICF का 2A है वो इतना कंफर्टेबल लगता है ना, अलग लेवल पे। अभी मौसम भी एक नंबर बना हुआ है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। हम लोग जब कर्नाटक में निकले थे तब भी मौसम ठीक ठाक ही था, और अभी भी बढ़िया है। जब कर्नाटक से निकले थे, बेंगलोर से निकले थे, तब एक घंटे का डिले के साथ निकले थे, और अभी यहाँ पर पहुँचे हम लोग शाम के 5:20 पे। तो लगभग बोल सकता हूँ मैं 49 hours and 50 minutes, या फिर ऑलमोस्ट 50 hours पकड़ लो इसको। तो इतना हम लोग को टाइम लगा यशवंतपुर से चंडीगढ़ आने में। तो यहीं पर मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। कैसी लगी जर्नी बताइएगा आप, कैसी लगी वैसे तेरे को? बहुत सही है ट्रेन, बहुत सही है। रन वाइज, फूड वाइज और कंफर्टेबिलिटी सबके तौर पे बहुत सही गाड़ी है ये। अगर जिसको बैंगलोर जाना है या फिर चंडीगढ़ साइड आना है या फिर दिल्ली, अगर किसी को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उसके जगह आप ये ट्रेन ले सकते हो। टिकट भी इजीली कंफर्म हो जाएगी इस ट्रेन में। पुणे से दिल्ली बहुत खाली मिल सकती है इसमें, ये भी एक है। कंफर्टेबिलिटी ICF की कंफर्ट जोन अलग ही है। नॉन स्टॉप रन भी है और काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहेगा। स्लीपर क्लास में भी आप ट्रैवल कर सकते हो कंफर्टेबली। हमने 2A लिया था गर्मी की वजह से और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, तो आप भी स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर लेते हैं। वही अगर गर्मी नहीं होती ना, मैं हिमसागर के जैसे इसको भी कर लेता स्लीपर में। क्लीन है भाई, मेंटेन अच्छा करके रखे हैं इसके फ्लोर। और बस यही है जो यही का मेमोरेबल हमारे ट्रेन का, काफ़ी मेमोरेबल जर्नी। और ये अपना पैंट्री का इस ट्रेन का खाना अच्छा है, प्लस इन लोग प्रॉपर बिल वगैरह देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो यहीं पर मैं एंड करता हूँ इस वीडियो को। बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में, अगली किसी जर्नी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। मैं जा रहा हूँ ऐसे अभी लोकोमोटिव के पास, वहाँ पर फोटोज़ लेता हूँ और फाइनली इस जर्नी को प्रॉपरली एंड करता हूँ। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आया, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी नई नई जर्नीज बनाने में। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो इस साल 2023 का साल है, जितनी भी मैं नई नई जर्नीज कर रहा हूँ ना, उसको सबसे पहले डालने का। मेरी पुरानी बची हुई जर्नीज बहुत है अभी डालने को, लेकिन वो आएगी आराम से। जो भी मैं लेटेस्ट वाली जर्नी है वो मैं पहले डालने की कोशिश कर रहा हूँ इस साल। तो चलो यहीं पर इसी बात को लेकर मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।